अवधपुरी का मैं रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। रामोत्सव के आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री राम जन्मभूमि संभवतः विश्व में पहला ऐसा अनूठा प्रकरण होगा जिसमें किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज ने अपने ही देश में अपने आराध्य की जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए इतने वर्षों तक और इतने स्तरों पर लड़ाई लड़ी हो। संतों, सन्यासियों, पुजारियों, नागाओं, निहंगों, बुद्धिजीवियों, राजनेताओं, जनजातियों सहित समाज के हर वर्ग ने जाति पाति विचार दर्शन उपासना पद्धति से ऊपर उठ करके राम काज के लिए स्वयं को उत्सर्ग किया। अंततः वह शुभ अवसर आ ही गया जब कोटि कोटि आस्थावानों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हो रही है। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आध्यात्मिक अनुष्ठान है। यह राष्ट्र मंदिर है। निसंदेह श्री रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रीय गौरव का एक ऐतिहासिक अवसर है। निश्चिंत रहिए, प्रभु राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा, अपितु यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी। क्योंकि अवधपुरी का मैं रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य भेदभाव रहित समृद्ध समाज का द्योतक है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों, विचारों और योजनाओं का आधार है।